साल 2023 में कहां है चुनाव। साल 2023 में देश के कुल 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। इन राज्यों में पार्टियों की जीत हार से आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के मूड का पता चलेगा। हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले लोकसभा चुनाव का असर पड़े ये कोई जरूरी नहीं। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में किसकी बनेगी सरकार? क्या तेलंगाना के टीआरएस पार्टी यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी फिर से आगामी विधानसभा चुनाव में परचम जीत लहराएगी या फिर नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना परचम लहराएंगे? तमाम सवालों के जवाब आपको पूर्णतया मिल जाएंगे और इस वीडियो को आप अंत तक देखना, जिससे आपको साल 2023 के चुनाव में तेलंगाना की जनता किसे चुनने जा रही है, कौन सी पार्टी मारने जा रही है बाजी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर ली जाए तेलंगाना के आदिलाबाद की 2 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर टीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को मिल सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर भरदाद्री की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, तो वहीं टीआरएस यानी कि केसीआर के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस के हाथ यहां पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों यहां पर बात कर ली जाए हैदराबाद की। जी हां दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की बात करें तो यहां पर 15 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर 15 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बाकी 1 सीट पर के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को मिल सकती है, बाकी 6 सीटें अन्य पार्टी यानी कि एआईएमआईएम के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं जगतियाल की। जगतियाल की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2, 1 पर टीआरएस यानी कि केसीआर को यहां पर मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहां पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, खबरों के विस्तार से आगे बढ़ने से पहले तेलंगाना में बोले राहुल गांधी, 2023 के चुनाव में किसानों के लिए संघर्ष करेगी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर किसानों और किसानों के संगठनों के मुखियाओं से बातचीत की। उनके साथ यात्रा में शामिल ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी AICC के सचिव जयराम रमेश ने किसानों, काश्तकारों की आत्महत्या और राहत कोष और भूमि रिकॉर्ड पोर्टल धरनी से संबंधित समस्याओं पर किसानों और संगठनों से चर्चा की। तेलंगाना चुनाव में मोदी ही होंगे भाजपा का चेहरा, उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित प्रदेश के अध्यक्ष बोले। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा पिछले कुछ महीनों से तेलंगाना में अपने कदम मजबूती से जमाती जा रही है। मुनुगोड़े उपचुनाव में खास वोट बटोरकर उत्साहजनक प्रदर्शन करके बावजूद पार्टी की राज्य में इकाई के अध्यक्ष का कहना है कि यद्यपि राज्य में स्थानीय नेताओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी का चेहरा होंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना के अगले जिले यानी कि जनगांव की। जनगांव की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कदम रख सकती है, तो वहीं टीआरएस यानी केसीआर की पार्टी को यहाँ पर मिल सकता है 0 और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जयशंकर भूपली की। जयशंकर भूपली की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर टीआरएस। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जोगू लांबा गढ़वाल की। जोगू लांबा गढ़वाल में 2 विधानसभा सीट है, दोनों ही विधानसभा सीट पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। टीआरएस का यहाँ पर प्रदर्शन निराशजनक रह सकता है, फिर भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कामा रेड्डी की। 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर टीआरएस। बात कर ली जाए करीमनगर की, 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर टीआरएस। बात कर लेते हैं खम्मम की, 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर टीआरएस। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कुमार भीम आसियाबाद की। 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर टीआरएस यानी कि केसीआर की पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट पर सिमट सकती है कांग्रेस पार्टी। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं महबूबाबाद की। 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर टीआरएस यानी कि केसीआर को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 0 सीट। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर ले जाए महबूबनगर की। 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर टीआरएस। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का
सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मंत्रियाल की, तीन विधानसभा सीट है, तीन में से एक पर बीजेपी, दो पर टीआरएस को मिल सकती है जीत। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मेडक की, दो विधानसभा सीट है, दो में से एक पर बीजेपी, एक पर टीआरएस। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर ले जाए मेडल मलकागिरी की, पांच विधानसभा सीट है, पांच में से चार पर बीजेपी यहाँ पर परचम लहरा सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीरो सीट पर सिमट सकती है। टीआरएस यानी कि केसीआर की पार्टी को यहाँ पर एक सीट पर संतोषजनक रुझान मिल सकते हैं। नगर कुरनूल की, तीन विधानसभा सीट है, तीन में से दो पर बीजेपी, एक पर टीआरएस को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। बाकी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर जीरो जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं नलगोड़ा की, छह विधानसभा सीट है, छह में से तीन पर बीजेपी, तीन पर ही टीआरएस, यानी कि काफी ज्यादा फाइट यहाँ पर नलगोड़ा में देखने को मिलेगी बीजेपी और टीआरएस के बीच। बाकी इन दोनों के बीच कांग्रेस पार्टी पिसती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को जीरो सीट पर सिमटना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं निर्मल की, तीन विधानसभा सीट है, तीन में से दो पर बीजेपी, एक पर टीआरएस। बाकी कांग्रेस पार्टी को जीरो, अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर जीरो जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं निजामाबाद की, निजामाबाद की छह विधानसभा सीट है, छह में से तीन पर बीजेपी अपनी टक्कर में रह सकती है और टीआरएस को यहाँ पर मात्र दो सीटें और कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है एक सीट और बाकी अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट का सामना करना पड़ेगा। पेदापल्ली की, तीन विधानसभा सीट है, तीन में से दो पर बीजेपी, एक पर टीआरएस। बाकी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर जीरो जीरो सीट। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं रजना सिरसिलिया की, दो विधानसभा सीट है, दो में से एक पर बीजेपी, एक पर टीआरएस। बाकी कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं रंगा रेड्डी की, आठ विधानसभा सीट है, आठ में से यहाँ पर मात्र तीन सीटों पर बीजेपी आ सकती है, पांच सीटों पर भी टीआरएस यहाँ पर प्रदर्शन कर सकती है पांचों सीटों पर। बाकी कांग्रेस पार्टी इन दोनों के बीच पिसती हुई दिखाई दे रही है। बात कर ली जाए संगा रेड्डी की, पांच विधानसभा सीट है, पांच में से दो पर बीजेपी, तीन पर टीआरएस यहाँ पर अपना दमखम जोक सकती है। बाकी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ। बात कर ली जाए सिद्दीपेट की, चार विधानसभा सीट है, चार में से दो पर बीजेपी, दो पर टीआरएस। बाकी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए सूर्यापेट की, सूर्यापेट में भी चार विधानसभा सीट है, चार में से दो पर बीजेपी, दो पर टीआरएस। और दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए विकाराबाद की, जी हाँ दोस्तों विकाराबाद में चार विधानसभा सीट है, चार में से दो पर बीजेपी, दो पर ही टीआरएस यहाँ पर है और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं वानापार्ट की, एक विधानसभा सीट है, एक ही सीट पर यहाँ पर टीआरएस को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। बाकी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है वानापार्ट में। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेता है वारंगल ग्रामीण की, दो विधानसभा सीट है, दो में से एक पर बीजेपी, एक पर टीआरएस को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं वारंगल ग्रामीण की, तीन विधानसभा सीट है, तीन में से एक पर बीजेपी, दो पर टीआरएस यानी कि केसीआर को मिल सकती है। बाकी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं यादाद्री बोंगीर, दो विधानसभा सीट है, दो में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को एक सीट, तो वहीं टीआरएस के खाते में एक सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा सब, यानी कि इन दोनों ही पार्टी के बीच कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बाकी बीजेपी को एक सीट और टीआरएस के खाते में एक सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं तेलंगाना की, 119 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना की 119 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 65 सीटों पर सरकार में आ सकती है, इतिहास रच सकती है भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों के साथ, और 48 सीटों पर टीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव दूसरे नंबर की पार्टी में रह सकते हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी को मात्र एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है, यानी कि सभी कांग्रेस पार्टी की सीटों पर सुपड़ा साफ हो सकता है और अन्य पार्टी खत्म, यानी कि AIMIM और अन्य पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे का लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जी हाँ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही कठिनाई से ये ओपनिंग पोल किया है और इस ओपनिंग पोल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चलेगा कि तेलंगाना की जनता 2023 के चुनाव में किसे सबसे ज्यादा पसंद कर रही है। चलिए दोस्तों यहाँ पर लेते हैं विराम, नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य राज्य का ओपिनियन पोल बताया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।